जब पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फर्स्ट टॉपिक देखो, इसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारे पास एक स्पेस में, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में एक प्लेन दिया गया है, इस तरह से अगर ये प्लेन है, ये होता है आपके पास वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये प्लेन दिया गया हमारे पास इस तरह से, ये स्पेस में प्लेन। तो यहां पे इस पे मान लो कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं, पॉइंट लाई कर रहा है आर्बिट्री पॉइंट, और आर्बिट्री पॉइंट है पी, पी इसके कोऑर्डिनेट्स का लेते हैं एक्स वाई और जेड, और हमारे पास क्या दिया गया, ये डिस्टेंस दिया गया इस प्लेन का, ये क्या डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन का ओरिजिन से। तो उस केस में फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी से नोट करो, और ये आ रही इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो किसका प्लेन का ओरिजिन से आ रहा है इसकी डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर। तो उस केस में जब भी इस टाइप का प्लेन दिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दिया गया होगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगी वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, डी इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, एंड यूनिट वेक्टर एन के इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन है डायरेक्शन, और कार्टेशियन फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू डी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, डी वही डिस्टेंस, एलिमेंट क्या है इसका नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से, और यहां पे पॉइंट इग्नोर करो, फर्स्ट पॉइंट ये आप नोट रखोगे, इफ अगर आपके पास वेक्टर इक्वेशन इस तरह से दी गई है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इस फॉर्म में इज इक्वल टू डी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी इज द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अगर आपके पास वेक्टर इक्वेशन दी गई है तो उस केस में जो इसकी आ जाएगी then इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी इज द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो, वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में हो सकती है, मतलब ये कौन सी फॉर्म आई वेक्टर की, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, ये वेक्टर इक्वेशन आप बोल रहे हैं हो सकती है, उसके से कार्टेशियन इक्वेशन आप इस तरह से लिखोगे। और दूसरा पॉइंट एक नोट रखो, जो भी प्लेन पे जो परपेंडिकुलर प्लेन के लिए जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इफ डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एल एम एन आर द डायरेक्ट कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द ओरिजिन, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज, यहां पे लिखो डी इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, from the origin and element, L, M, N are the direction cosines, ये element आपके पास वे direction cosines दिए गए हैं of the normal to the plane, of the
नॉर्मल टू द प्लेन, जो ये प्लेन के लिए नॉर्मल है, तो या इसका डिस्टेंस और ये इसके लिए नॉर्मल प्लेन की वजह से नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द ओरिजिन द ओरिजिन देन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर होता है इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल इसके एल इंटू डी एम इंटू डी एम इंटू डी, देन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज देन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर इज L into D, M into D, N into D. ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे. नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. हर कोई प्लेन किसी गिवन वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर है और गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पासिंग through a given point, given point, plane को given point से pass भी कर रहे हैं, तो उस केस में मान लो इस तरह से plane दिया गया है, इसको हम y axis लेते हैं, इसको z, this is x origin, और यहाँ पे हमारे पास कोई plane है, वो किसी vector n के लिए कोई भी वेक्टर आएगा, वेक्टर एन का कोई इसका नाम, उसके लिए परपेंडिकुलर है, एन के लिए प्लेन परपेंडिकुलर है और किसी के उन पॉइंट से पास कर रहा है, कोई पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए रखो एक्स वन वाई वन और जेड वन, इस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आ जाएगी? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन की आ जाएगी वेक्टर ए वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इनटू वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ये आएगी इन वेक्टर फॉर्म. और कर्सिव फॉर्म में क्या आएगी? कर्सिव फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन आप लिख सकते हो a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to d के बराबर, यहाँ पे कैपिटल d लिखो, या c into z minus z1 is equal to zero के बराबर. इसमें a b c क्या डायरेक्शन रेशियोज आता है? नॉर्मल डायरेक्शन, जो नॉर्मल रखने से डायरेक्शन रेशियोज where a b c are the direction ratios, are the direction ratios of the normal vector ke direction ratios hoge, aur x1 y1 z1 kya hai, given point ke coordinates. uske baad dekho equation of the plane passing through three non collinear points, प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन क्या आएगी? नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है कोई प्लेन पास कर रहा है. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं?
which does not lie on a line, जो एक लाइन पे लाई ना करे, तो उनको हम क्या कहेंगे नॉन प्लेनर पॉइंट से उनके थ्रू अगर प्लेन पास करे तो उसकी इक्वेशन क्या आती है उसकी मान लो कोई प्लेन है इस पे तीन पॉइंट्स हैं नॉन प्लेनर पॉइंट्स हैं ए बी कोई सी एक्स वन वाई वन जेड वन इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू जेड टू इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री इसके कोऑर्डिनेट्स इन तीनों के जो पोजिशन वेक्टर होंगे कोई भी ओरिजिन से इनके पोजिशन वेक्टर्स को वेक्टर वेक्टर डी और वेक्टर सी से नोट कर सकते हो इसका पोजिशन वेक्टर बी का और ये सी का इसका वेक्टर ए बी का वेक्टर बी और पॉइंट सी का वेक्टर सी के पोजिशन वेक्टर है कोई भी आर्बिट्री पॉइंट के पोजिशन वेक्टर को आप वेक्टर आर से नोट करो उस केस में इक्वेशन तो नहीं नहीं वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आएगी आप लिख सकते हो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए ये फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट भी इसके साथ बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो और कर्सन फॉर्म में क्या आएगी कर्सन फॉर्म इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स माइनस एक्स वन वाई वन जेड माइनस जेड वन इसमें डिटर्मिनेंट ये बनाना है इसकी आई फर्स्ट रो फिर जेड टू माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन और यहाँ पे एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो ये टर्म को सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ द प्लेन कर्सन फॉर्म एक्स वन वाई वन जेड वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट ए x2 y2 z2 coordinates of the second point that is b and x3 y3 z3 here is the coordinates of the third point that is b kya hai ye equation of the plane uske baad intercept form of the equation of a plane kya hoti hai intercept form equation of the plane kya hai aur koi plane intercepts bana raha hai x a b aur c coordinates pe intercepts bana raha hai uski equation kya aa jayegi x, y और z इन तीनों कोऑर्डिनेट के साथ में अगर कोई प्लेन बना रहा है इंटरसेप्ट मान लो पहला ये इसके साथ इंटरसेप्ट है वन एक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लेंगे जीरो जीरो दूसरा पॉइंट बी वाई इंटरसेप्ट अगर बी के बराबर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट जीरो बी जीरो और z इंटरसेप्ट c है इसके होंगे पॉइंट सी लो जीरो जीरो स्मॉल सी इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट क्या आएगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम क्या लिखेंगे एक्स अपॉन ए दैट इज एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन बी दैट इज वाई इंटरसेप्ट जेड अपॉन c that is z intercept is equal to 1 ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी तो ये हमने कितनी फोर टाइप्स की इक्वेशन पढ़ी प्लेन की इनके बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जितने क्वेश्चन निकलते हैं वो निकालते हैं देखो एक्सरसाइज 11.3 हम पढ़ेंगे इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन दी गई है तो आपने क्या फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं नॉर्मल के प्लेन से और डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से ए पार्ट इसका द गिवन प्लेन इज द गिवन
प्लेन इज, इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो तो ये आ जाएगा जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, इसमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट, दैट इज जीरो जीरो एंड वन। तो यहाँ पे लिख, आप लिखो जो भी इसके डायरेक्शन रेशियोज है डिवाइडिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो प्रॉपर फॉर्म में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड्स को, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट, किससे डिवाइड करता है, रूट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू क्या आता है, नहीं ये तीसरा डायरेक्शन वन का स्क्वायर, वन से डिवाइड करने पे भी यही आता है जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू। तो कंपेयरिंग इट विथ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एंड जेड इज इक्वल टू डी के साथ कंपेयर करें तो वी गेट क्या जाएगा, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ज्यादा नॉर्मल, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ज्यादा नॉर्मल, क्या निकले, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल एक्टिव डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे आर, ये जीरो जीरो वन, और डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन से इसका डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, इक्वल टू टू यूनिट्स, ये जो आगे ये वाली वाली। तो इसी तरह देखो बाकी कौन सा सॉल्व करोगे, मैं इसका चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ, बाकी आप इसी बेसिस पे देखोगे सेकंड पार्ट में, ये तो बाकी सेम ही है, और ऐसे यहाँ से चेंज करना है, ये हमने सेम लिखे हैं। इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में गिवन प्लेन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, इसको प्लेन फर्स्ट रखो, डायरेक्शन रेशियोज क्या है नाउ होंगे, ये देखेंगे क्वेश्चंस वन वन एंड वन, बोथ साइड किससे डिवाइड करना है, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आता है, रूट थ्री, रूट थ्री से डिवाइड करो, रूट थ्री से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वन अपॉन रूट थ्री एक्स, वन अपॉन रूट थ्री वाई, वन अपॉन रूट थ्री जेड इज इक्वल टू, इस साइड में वन अपॉन रूट थ्री के इक्वल आएगा। तो डायरेक्शन जो इसके साथ कंपेयर करने में डायरेक्शन को साइंस के आएंगे वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, और डिस्टेंस क्या आएगा ओरिजिन से, ये भी वन अपॉन रूट थ्री यूनिट्स, या डिस्टेंस। बाकी कौन सा इसी तरह सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर टू में, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और नॉर्मल टू द वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर हमारे पास ये दिया गया है, हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करनी है, नॉर्मल वेक्टर किसके बराबर दिया गया है, नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन है 3i - 5j + 6 की है नॉर्मल वेक्टर, व्हिच इंप्लाइज दैट यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन व्हिच इज इक्वल टू 3i - 5j + 6k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड क्या आता है इसका 3² + -5 का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका 25 और इसका 36, इन तीनों का सम कितना आता है 25 + 9 = 34, 34 +
36 is equal to 70. दोबारा देखो 9 एंड 25 इज इक्वल 34 एंड 36 इज इक्वल टू 70. याद आएगा 3 अपॉन रूट 70 आई माइनस 5 अपॉन रूट 70 इनटू जे माइनस 6 अपॉन रूट 70 इनटू यूनिट वेक्टर ए. इसके द्वारा तो दूसरा क्या दिया गया हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना 7 यूनिट्स है. Therefore, equation after equation of the is m d is equal to 7 to whatever, and therefore vector equation of the plane jo pad equation padhi hui equation linge vector r dot unit vector n is equal to d ke whatever r vector r ka dot product bhi now vector is yaad hai value put karunga 3 upon 70 i minus 5 upon root 70 into j minus 6 upon root 70 into in vector k is equal to 7. Yeah, I keep equation out of plane in vector form. Next, देखो question number 3. कर्टसन इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करनी. ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन दी गई है, कर्टसन इक्वेशन हम फाइंड करेंगे द गिवन प्लेन. देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में द गिवन प्लेन इज, क्या गिवन प्लेन हमारे पास इसकी इक्वेशन दी गई है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू टू. आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू टू, ये हमारे पास इसकी वेक्टर इक्वेशन दी गई है. इस आर के, आर किसका पोजिशन वेक्टर होता है, आई जे के इस पॉइंट का. तो इसकी वैल्यू इसके पोजिशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगी. आर के कंपोनेंट फॉर्म क्या आएगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. इसको फर्स्ट रखो, इन फर्स्ट वी गेट क्या जाएगा हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू यूनिट वेक्टर के डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू टू. इसके साथ अगर हम इसको इसमें ये वैल्यू पुट करें तो वी गेट, इनका देखो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, इधर यूनिट वेक्टर आई इधर ये इनके कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, या x into 1 का x, y into 1 का y, z into minus 1 का is equal to 2 which is the required Kurtzian form. ये इसी Kurtzian form आगी. नेक्स्ट देखो इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स आप सॉल्व कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. और इनसे जो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं उससे क्या उसके फुट के कोऑर्डिनेट हमें ड्रा करने हैं. तो मैंने क्या बताया है, फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, l into x, l into d, m into d, n into d के बराबर. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर क्या होंगे, एल डी एम डी एम डी. एल एम एम क्या डायरेक्ट कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, जो नॉर्मल है उसके डायरेक्ट इक्वेशन के थ्रू जो नॉर्मल उसके डायरेक्ट कोसाइंस. और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो द गिवन प्लेन इज, यहां पे प्लेन की इक्वेशन लिखो, द गिवन प्लेन इज ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज माइनस ट्वेल्व. टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड, टू एक्स प्लस
3y plus 4z minus 12 is equal to 0. Or इसको लिखेंगे 2x plus 3y plus 4z is equal to 12 equal. ये आएगा हमारे पास rent equation dividing both sides by. इसमें आप क्या करो, ये direction ratios है 2, 3, 4 dividing both sides by root of 2 square plus 3 square plus 4 square which is equal to किसके बराबर आता है, ये आएगा 4, यहां से आएगा 9 और यहां से आएगा 16, 9 30 16, 229 के साथ both side multiply by कर दिया हमारे पास 2x plus 3y plus 4z अच्छा 2 upon root 29 3 upon root 29 4 upon root 29 z is equal to 12 upon root 29 के इक्वल आया. कंपेयर इट विद इसकी जो पॉपुलर इक्वेशन उसके साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट विद lx plus my plus nz is equal to d we get direct cosine से लिख लेंगे. l की वैल्यू आएगी 2 upon root 29, m की वैल्यू आएगी 3 upon root 29, n की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 upon root 29 एंड d की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 upon root 29 इक्वल. ये वैल्यूज आएंगे तो दे आर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुटर परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आर क्या होंगे परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स, ये लिखो एल इनटू डी दैट इज 2 अपॉन रूट 29 इनटू डी की जगह लिखेंगे 12 अपॉन रूट 29. दूसरा आएगा 3 अपॉन रूट 29 इनटू 12 अपॉन रूट 29 और तीसरा आएगा 4 अपॉन रूट 29 इनटू 12 अपॉन रूट 29 दैट इज टोटल परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट इज इनको लिखेंगे 12 cos 24 अपॉन 29, यहां से 36 अपॉन 29 और यहां से 48 अपॉन 29. ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन इन प्लेन की फाइंड करनी है. तो वेक्टर ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन का प्लेन गिवन पॉइंट से पास कर रहे हैं और गिवन वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर है. हमने पढ़े कि क्या होती है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इनटू डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल एक्स इज इक्वल टू डी के बराबर. इक्वेशन पहले हम फाइंड करते हैं, वेक्टर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 क्या फाइंड करना, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन की फाइंड करनी है. तो हमारे पास सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट इसको लेते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट इसको वेक्टर ए से हम डिनोट करते हैं. गिवन पॉइंट का पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए से डिनोट किया और ये किसके बराबर आएगा, ये होगा 1, 2, 1, 0, -2 अगर हमारे पास गिवन पॉइंट इसका पोजिशन वेक्टर क्या आएगा 1 × i, 0 × j, + 2 × k जीरो माइनस टू, ये वेक्टर ए आया हमारे पास एंड
नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन क्या दी गई है यहाँ पे? नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन है हमारे पास आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के, ये नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन दे आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ऑफ द प्लेन इज, ये वेक्टर इक्वेशन निकलेगी। क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर आर माइनस वेक्टर इनटू नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, किसका मैं लिखूंगा आई माइनस टू के इंटू नॉर्मल वेक्टर किसका आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू जीरो। ये आएगी वेक्टर इक्वेशन और पर्सन इक्वेशन, पर्सन इक्वेशन किसके बराबर आएगी? कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आप लिख सकते हो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन में द गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1 0 माइनस टू एंड द डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन रेशोस ऑफ द नॉर्मल, जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? उसके डायरेक्शन रेशियोज ये है आई जी माइनस के ना, तो इसके आएंगे 1 1 माइनस वन, इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो देयर फोर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ऑफ द प्लेन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? तो प्लेन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास उस केस में? ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। आप इसमें पुट करो, देखो ए बी सी के डायरेक्शन रेशियोज एक्स वन वाई वन जेड वन के गिवन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पुट करके इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पास थ्रू थ्री पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से पास कर रहे प्लेन उसकी इक्वेशन फाइंड कर लो। कोई भी इक्वेशन इसकी बता सकते हो, वेक्टर इक्वेशन बताओ या कार्टेशियन इक्वेशन बनाओ। द गिवन पॉइंट्स आर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से द गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम रखते हैं ए बी सी 1 1 माइनस वन, इसको रखो 1 1 माइनस वन, इसके कोऑर्डिनेट्स दूसरा पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 4 माइनस फाइव, 6 4 माइनस फाइव एंड तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है सी के माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू और थ्री, तीसरा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स। तो हमने क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट से पास करें इक्वेशन ऑफ द प्लेन। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला क्या आता है यार? गिवन पॉइंट्स आर ये द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज क्या आएगी? गिवन बाय कॉर्सन इक्वेशन दे रहे हैं, इनमें सिंपल इक्वेशन का कोई भी वेक्टर दो या कॉर्सन दो वेक्टर के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉर्सन यूज कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू passes through the given point,
गिवन पॉइंट्स पे टू इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z = 5। ठीक है, इंटरसेप्ट्स हमने बता रहे हैं जो ये प्लेन कट ऑफ कर रहा है, प्लेन बना रहा है। द गिवन प्लेन इज क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन प्लेन इज, गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या दी गई है हमारे पास, x plus y plus 2x plus y minus z plus y minus z is equal to 5। ये equation of the plane dividing both sides by is 5 से divide करो तो क्या आ जाएगा, 2x upon 5 plus y upon 5 minus z upon 5 is equal to 1। और आर इसी को आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन इस 5 अपॉन 2, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, एक ही बात है 2 इधर हो या इधर हो मल्टीप्लाई भी करता है। वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। कंपेयर इट विथ x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 के साथ कंपेयर करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो therefore intercepts क्या है, therefore इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस क्या है 5 अपॉन 2 5 माइनस 5। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर 5 अपॉन 2 5 इन माइनस 5, ये इंटरसेप्ट हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट हम कर लिया, आगे कंटिन्यू करेंगे और इक्वेशंस पढ़ेंगे और उनके बेसिक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।